بسم الله الرحمن الرحيم। अहमद ने एक नज़र उन जवानों पर डाली जो उसका खैमा नसब कर रहे थे, फिर उसने हसान की तरफ देखते हुए कहा, इस मुहिम के लिए ज्यादा से ज्यादा 2000 जवान दरकार होंगे। अगर वो समंदर के किनारे न होते तो मैं 1000 जवानों पर ही इक्तफा करता, लेकिन उनका बहरी रास्ता भी रोकना होगा ताकि वो अपनी कश्तियों में सवार होकर बहरे कुलजुम पार करके हबशा की तरफ फरार होने में कामयाब न हो जाएं। हसान ने अपने घोड़े को एड़ लगाकर आगे बढ़ाते हुए कहा, तो फिर आओ 2000 जवानों को साथ लेकर अपनी इस मुहिम पर रवाना हूँ। अहमद ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरिए, मेरी बात सुनिए। हसान रुक गया। अहमद अपना घोड़ा आगे बढ़ाकर उसके पहलू में आया और हसान की तरफ देखते हुए कहा, ए अमीर, आप यहीं रहें और लश्कर की देखभाल करें। मैं 2000 जवानों के साथ उन कजाकों से निमट कर जल्द लौट आऊंगा। हसान ने मुस्कुराते हुए कहा, कल को ये तो न कहोगे किसी नेक काम में हसान ने मेरा साथ न दिया। अहमद ने छाती निकालते हुए कहा, या अमीर, मैं ऐसी बात नहीं कह सकता, वल्लाह मुझे आपकी जात पर फख्र है। हसान ने बड़ी फिराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, तो फिर अपनी पसंद के 2000 जवान लो और अपनी मुहिम पर रवाना हो जाओ। अहमद फौरन वहां से हटा। वक्त जाया किए बगैर उसने 2000 जवानों को अलैदा किया और उन्हें लेकर वो जनूब की तरफ रवाना हो गया था। रास्ते में अहमद ने उन 2000 जवानों को हमला आवर होने का सारा तरीकाकार समझा दिया था, यहाँ तक कि वो बहरी कजाकों की बस्ती के नज़दीक पहुँच गए। अहमद वहाँ रुक गया। 700 जवानों को अलहदा करके उसने कजाकों की बहरी नाकाबंदी को रवाना कर दिया था और ये जवान दाएं तरफ से एक लंबा चक्कर काटकर कजाकों की बस्ती और समंदर के किनारे खड़ी उनकी कश्तियों के दरमियान हायल हो गए थे। इसके अलावा 400 जवान अहमद ने उन कजाकों के दाएं बाएं भी मुकर्रर कर दिए ताकि वो किसी सिमत भागने न पाए। अहमद को जब यकीन हो गया कि उसके मुकर्रर किए हुए दस्ते अपनी अपनी गात में चले गए होंगे तो वो 500 सवारों के साथ बस्ती की तरफ बढ़ा। चमड़े की खेमों पर मुश्तमिल वो बस्ती एक वसी रकबे पर फैली हुई थी। अहमद जब अपने सवारों के साथ बस्ती में दाखिल हुआ तो लोग सरासीमा से होकर अपने अपने खेमों से बाहर निकलकर उन्हें देखने लगे थे, क्योंकि अहमद और उसके साथी पूरी तरह मुसल्ला थे जिससे बस्ती वालों को खतरे की बू आ रही थी। एक खेमे के सामने अहमद रुक गया और वहां खड़े एक बूढ़े को मुखातब करके उसने कहा, तुम्हारे सरदार का खेमा किस तरफ है? वो मेरा पुराना जाने वाला है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम उसके खेमे तक मेरी रहनुमाई करोगे? मैं उसके लिए एक मुफीद और अच्छी खबर लेकर आया हूँ। अहमद की बातों से वहां जमा होने वाले लोग मुतमईन हो गए। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि खतरे की कोई बात नहीं, लिहाजा वो दोबारा अपने अपने खेमों के अंदर चले गए थे। वो बूढ़ा चुपचाप अहमद के घोड़े के आगे आगे चलने लगा था। थोड़ी दूर आगे जाकर अहमद ने उस बूढ़े से पूछा, मैं तुम्हारे सरदार का नाम भूल गया हूँ, क्या तुम बता सकोगे उसका नाम क्या है? बूढ़े ने रुककर अहमद की तरफ देखते हुए कहा, उसका नाम कदीमा है और वो एक अरसा से हमारा सरदार चला आ रहा है। उसने अपनी कोशिशों से हमें खुशहाल और गमे रोजगार से बेफिक्र कर दिया है। एक खेमे के सामने वो बूढ़ा रुक गया और अहमद की तरफ देखते हुए कहा, यही सरदार कदीमा का खेमा है। इतनी देर में उदेड़ उम्र का एक आदमी उस खेमे से निकला और अहमद की तरफ देखते हुए उसने पूछा, मेरा एक आदमी पहले ही मुझे बता गया है कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, बोलो तुम कौन हो और किस गरज से हमारी बस्ती में दाखिल हुए हो? उस वक्त रात खूब गहरी हो गई थी और शुमाल की तरफ से आने वाली तेज सर्द हवाओं से खेमे के पर्दे पड़पड़ा रहे थे। चांद की चांदनी में अहमद ने देखा कि बूढ़ा सरदार वही था जिसने उसके मुंह पर खबी तमाचा मारा था और उसका चेहरा दागने का हुक्म दिया था। उसकी भूरी दाढ़ी अब सफेद हो गई थी और जवानी बुढ़ापे में डल गई थी। अहमद ने अपने चेहरे से खूद का नकाब हटाया और अपने बाएं गाल की तरफ इशारा करके उसने पूछा, क्या तुम इस दागे हुए निशान को पहचानते हो? कदीमा ने बौखलाई हुई आवाज में पूछा, ऐसी बातों से तुम्हारा क्या मतलब है? अहमद ने कहा, क्या तुम्हें खबर नहीं, तुमने अपने कजाक साथियों के साथ उस वक्त हम पर शब खून मारा
जब मेरा कबीला बनो किनाना यमन से मिस्र की तरफ सफर करती हुई वादी शुएब में खैमाजन था, मुझे पहचानो, मैं वही हूँ जिसे तूने सरकश और खूनख्वार जानकर अर्दुया शहर के बादशाह कसीला के हाथ फरोख्त कर दिया था। क्या तुझे खबर नहीं कि मैं मुसलमान हूँ और एक जंग में कसीला को भी कत्ल कर चुका हूँ? अब तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की बारी है। मैं तुमसे तुम्हारे गुनाहों का पूरा पूरा हिसाब लूंगा। कदीमा ने एक तंजिया कहकहा लगाती हुई कहा, ऐ अजनबी, ये तेरी भूल है। तुम सिर्फ इन चंद मुट्ठी भर जवानों के साथ मुझसे टकराने चले आए हो। अब भी वक्त है, वापस लौट जाओ, वरना मेरे जंगजू तुम्हारे इन साथियों को लम्हों के अंदर जमीन में दफन करके इनके कफन की हरारत तक को बुझा देंगे। अहमद ने अपनी तलवार बेनियाम कर ली और इसके साथ ही उसके जवान भी अपनी तलवारें सो चुके थे। अपने घोड़े को जरा आगे बढ़ाते हुए अहमद ने कहा, ऐ बदअंदेश, मेरे साथ ऐसे रफीकाने सफर हैं जो जमाल हक के मजहर और रमूज रब के महरम बनकर तुम्हारी बस्ती पर नजूल करेंगे और हमारा खौफ और तुम्हारे साथियों की चीखें तुम्हारे कानों में इस तरह दाखिल होंगी जैसे सुनसान राहों पर टापों की आवाजें गूंजती हैं। कसम मुझे साहिब यासीन व तोहा की, तुम्हारी बस्ती के चारों तरफ फैला हुआ मेरा लश्कर जब तुम्हारी बस्ती पर हमला आवर होगा तो तुम ऐसा महसूस करोगे गोया सितारों की गर्दश रुक गई हो, तुम्हारे जहन के दरीचे बंद हो गए हों और जमीन की राहें बेनिशान और धुंधली हो गई हों। जिस तरह कभी तूने मेरे कबीले पर शब खून मारा था, ऐसी ही, हाँ कदीमा, ऐसी ही आज मैं तेरी बस्ती पर लहू की बारिश करूंगा और इन खेमों के हर ताको तरम को खून आलूद कर दूंगा। कदीमा ने फिर डट्ठाई से कहा, मैं तुम्हारे इन हथकंडों में आने वाला नहीं। मैं इस कदर जानता हूँ जिस तरह शजरे बार आवर तेज आंधी में अपने पल गिरा देता है, ऐसे ही तेरे जवान उस वक्त जमीन पर गिर रहे होंगे जब मैं अपने जवानों को हमला आवर होने का हुक्म दूंगा। अहमद ने फौरन अपने पीछे खड़े दो सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने फौरन जलती हुई एक मशाल से दो तीरों को आग दिखाई और उन्हें मशरक और मगरब के रुख पर हवा में चला दिया था। उन जलते तीरों का फिजा में बुलंद होना था कि बस्ती के तीन अतराफ में अल्लाह अकबर की गूंजदार आवाजें बुलंद हुई और अहमद के साथी कजाकों पर हमला आवर हो गए थे। अहमद ने पलक चपकने में तलवार मारकर कदीमा की गर्दन काट दी और फिर वो अपने साथियों के साथ बस्ती के वस्ती हिस्से पर हमला आवर हो गया था। कजाकों ने अपना दिफा करने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो अहमद के तूफानी हमलों के सामने नाकाम रहे। उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन मुसलमान उनका ऐसा मुहासरा कर चुके थे कि वो भाग भी न सके, यहाँ तक कि अहमद ने कजाकों के हर फर्द को मौत के घाट उतार दिया। अहमद ने उनके खेमे उखड़वा लिए और उनके अंदर जमा शुदा कारआमद सामान उन्हीं के जानवरों पर लाद कर वो शुमाल की तरफ रवाना हो गया था जहाँ जबल सीना के दामन में उसका लश्कर खैमाजन था। अहमद जब अपने 2000 साथियों और सामान से लदे अनगिनत जानवरों के साथ वादी सीना में पड़ाव किए अपने लश्कर में दाखिल हुआ तो उस वक्त सर्दी से बचने के लिए जगह जगह आग के अलाव रोशन थे और लश्कर के लिए खाना भी तैयार हो चुका था। आग के एक अलाव के करीब लश्कर का सिपा सालार हसान बिन नौमान खड़ा सामान से लदे उन जानवरों को खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात में देख रहा था जो अहमद उन कजाकों को शिकस्त देने के बाद अपने साथ लाया था। उसी अलाव के पास आकर अहमद अपने घोड़े से उतर गया जिसके पास हसान खड़ा था। एक सिपाही भागकर आगे बढ़ा और अहमद के घोड़े की बाग पकड़कर उसे एक तरफ ले गया। लश्कर के सिपाहियों की एक खासी तादाद फौरन हरकत में आ गई और वो सामान को जानवरों से उतारकर चमड़ों के खेमों में मुंतकिल करने लगे थे। अहमद जो ही अलाव के पास आया, हसान ने फौरन आगे बढ़कर उससे मुसाफा करते हुए कहा, मुझे उम्मीद न थी तुम इस कदर जल्दी इस मुहिम से लौट आओगे। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। तुम माली गनीमत के ये जो जानवर लेकर आए हो ये भी मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। कजाकों पर फतह हमारी एक अच्छी इब्तिदा है। अहमद, ये वही वादी तुआ है जिसमें बनी इसराइल पर मन सलवा का नजूल हुआ था। इस वादी में हाथ आने वाला ये माली गनीमत हम भी अपने रब की तरफ से मन सलवा ही समझेंगे। अहमद ने आग के करीब होते हुए कहा, मैंने उन सब रहजनों और कजाकों को मौत के घाट उतार दिया है। इस माली गनीमत में खाने की अशिया के अलावा नकदी और दीगर कीमती सामान भी है।
मैंने अपने जवानों से कह दिया है कि वो सारा सामान अलैदा अलैदा करके रखें। हसन ने मुस्कुराकर अहमद का हाथ थामते हुए कहा, आओ पहले खाना खा लें। हसन अहमद का हाथ पकड़कर अपने खेमे की तरफ ले जा रहा था। रात की पिछले पहर तक लश्कर ने वादी तुवा के अंदर ही पड़ाव किया रखा। फजर की नमाज से कुछ देर कबल हसन के हुक्म पर पूरा लश्कर उठ खड़ा हुआ और कूच की तैयारी करना शुरू हो गई थी। आनंद फानंद खेमे उकाड़ कर तह कर दिए गए थे। सामान ऊंटों पर ला दिया गया। इसके बाद लश्कर ने फजर की नमाज अदा की और सुबह का खाना खाने के बाद वो वादी तुवा से कूच कर रहा था। लश्कर बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ता हुआ जिस वक्त दरियाए नील को पार कर रहा था, किसी ने बुलंद आवाज में अहमद के करीब आकर कहा, अस्सलाम वालेकुम या अमीर। अहमद ने मुड़कर देखा, वो उसका छोटा भाई खसीब था जो अपने घोड़े को भगाता हुआ अहमद के पहलू में ले आया था। उसे देखते ही अहमद के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई और उसने सलाम का जवाब देते हुए कहा, खसीब तुम कैसे हो? खसीब ने अपना घोड़ा और करीब लाते हुए कहा, आपके सामने हूँ, देख लें, आप मेरी तवक्कुआत से कहीं पहले लश्कर लेकर लौट आए हैं। मैं एक बुलंद टीले पर खड़े होकर हर रोज लश्कर की राह देखा करता था। अहमद ने फिर पूछा, तुम्हारे माँ बाप और भाई कैसे हैं? खसीब ने मुतमईन अंदाज में कहा, अखी अहमद के जिंदा होने का सुनकर मेरे माँ बाप बेहद खुश हैं। खेती बाड़ी का सारा काम अखी शीबान ने संभाल रखा है कि मेरे अभी से अब काम नहीं होता। सब घर वालों का आपके नाम ये पैगाम है कि आप अखी अहमद को हमें जल्दी तलाश करके दें। अहमद जवाब में कुछ कहने वाला था कि हसन ने इशारे से अहमद को अपनी तरफ बुलाया। अहमद ने मुस्कुराकर खसीब की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अमीर बुला रहे हैं, मैं देखूं वो क्या कहते हैं। अहमद हसन की तरफ चला गया जो लश्कर से आगे आगे उसे जरा दाएं तरफ था। खसीब दूसरे सिपाहियों के अंदर गुल मिल गया था। बरका शहर के पास से गुजरते हुए वो 8 सिपाही भी लश्कर में शामिल हो गए थे जिन्हें अहमद ने करताजना की असीरी से रिहाई दिलाई थी। ये सिपाही चूंकि पहली जंगों में हिस्सा लेने के बायस अक्सर अफ्रीकी शहरों के महल्ले वक्ू से आशना थे, लिहाजा उनसे अब दुश्मन की जासूसी का काम लिया जा रहा था। अफ्रीकी हुक्मरानों को भी इस्लामी लश्कर की आमद से मुतलिक इतलात मिल चुकी थी और उन्होंने एक मुतहदा लश्कर तरतीब दिया था जिसमें रोमन, फ्रांसीसी और बर्बर शामिल थे। उस मुतहदा लश्कर में कोहिस्तान और उसकी साहरा मलका जरारा शामिल न हुई थी क्योंकि उसकी इनफिरादी ताकत अफ्रीका के उस मुतहदा लश्कर से कहीं ज्यादा थी और वो किसी से एहतियात करने की जरूरत महसूस न करती थी। इसके अलावा वो अपने शहर के जोर से चंद ऐसे मुहिरुल अकूल काम सर अंजाम दे चुकी थी कि बर्बर उसके बुत बनाकर उसकी पूजा करते थे। वो बर्बरों में इस कदर हर दिल अजीज और मकबूल थी कि उसके एक इशारे पर वो अपना गला तक कटवाने पर रजामंद हो जाते थे। इसी बिना पर वो अपने आप को नाकाबले शिकस्त समझती थी। अवलन तो उसके शहर और सानियन उसकी बेपनाह फौजी कुव्वत की बिना पर कोई भी हुक्मरान उसकी तरफ आंख उठाकर न देखता था, न ही किसी ने आज तक उस पर हमला आवर होने की जुरत की थी। गो वो अपनी उम्र के उस हिस्से में थी जहां से जवानी नशेब की तरफ भागना शुरू होती है। इसके बावजूद वो एक हसीन, पुरकशिश और सहर ज़दा कर देने वाली अय्यार, खूबसूरत, जाहो जलाल और शाहाना वक़ार रखने वाली औरत थी। वो बर्बरों में ऐसी ही हर दिल अजीज और मुकद्दस समझी जाती थी जैसे कदीम बुत परस्त लोगों में असरूत देवी की पूजा की जाती थी। करताजना शहर से 12 मील जनूब मशरक में जबकि हसन और अहमद अपने लश्कर के साथ बर्क रफ्तारी से करताजना शहर की तरफ बढ़ रहे थे, एकदम रुक गए और अपने लश्कर को भी उन्होंने अपने पीछे रोक दिया था। लश्करी फौरन हरकत में आए और वहां पड़ाव करने लगे थे। उनके सामने रेत के टीलों के अंदर दुश्मन भी खैमाजन था। शायद वो सहरा के उस हिस्से को मैदान जंग बनाने का अजम कर चुके थे। हसन को भी उसके जासूस दुश्मन के पड़ाव की खबर दे चुके थे, इसीलिए उसने सीधा दुश्मन का रुख किया और उसके सामने पड़ाव कर लिया था। उस वक्त शाम होने को थी और सूरज मगरब में खूब नीचे झुक गया था। दुश्मन के लश्कर में आग के अलाव रोशन हो गए थे जिसका मतलब था कि वो रात के वक्त जंग करने का इरादा नहीं रखते थे। मुसलमानों ने भी खेमे नसब करने के बाद अपने लश्कर में अलाव रोशन कर लिए थे और खाने का इंतजाम होने लगा था। ताहम हंगामी हालत से निमटने के लिए
लश्कर की कल और मेमना जंग करने के लिए पूरी तरह मुसल्ला और तैयार खड़े थे। हसन और अहमद के खेमे जो बिल्कुल करीब करीब थे, जब उनके सामने भी आग का अलाव रोशन हो गया तो वो दोनों भी अपने आप को गर्म करने के लिए उस अलाव के पास आ खड़े हुए। उनके दाएं बाएं कलब और मेमना जंग करने की हालत में तैयार खड़े थे। आग पर हाथ फैलाते ही अहमद ने हसन को मुखातब करके कहा, या अमीर, मेरे जहन में 3 ऐसी तरकीबें हैं, अगर हम उन पर अमल करें तो रात के वक्त हम दुश्मन के अचानक हमला आवर होने के खतरे से भी बच सकते हैं और अगले रोज जंग में दुश्मन को शिकस्त देने के आसार भी पैदा हो सकते हैं। हसन ने भी अहमद से करीब होकर आग पर हाथ फैलाते हुए कहा, कहो, अगर वो काबिल अमल हुई तो मैं उन्हें अपनी तजवीज पर तरजीह दूंगा। अहमद ने सरगोशी में कहा, अवलन लश्कर के सामने जगह जगह लंबी लंबी लकड़ियां नसब की जाएं और उन पर मशालें बांधकर उन्हें रोशन कर दिया जाए, ताकि रात के वक्त अगर दुश्मन हमें धोखा देकर हम पर हमला आवर होने की कोशिश करे तो वो पहरा देने वालों को दूर से दिखाई दे सके और वो बर वक्त हमें मुतला कर सके। हसन के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने इत्मीनान का इजहार करते ही कहा, दुश्मन के अचानक हमले से बचने का ये एक निहायत माकूल और आसान तरीका है। मैं अभी इस पर अमल करने का हुक्म देता हूँ। लकड़ियाँ हमारे पास काफी हैं। इसके अलावा हम मजनीकों की लकड़ियाँ भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपनी दूसरी तजवीज़ कहो। अहमद पहले से कहीं ज्यादा राजदारी में कह रहा था, या अमीर, कम अज कम 500 ऐसे तीर अंदाज चुने जाएं जिनका निशाना बेखता हो। उन तीर अंदाजों में से 200 मैदान जंग के दाएं और बाएं रेत के टीलों की ओट में छुप कर बैठ जाएं और जब जंग जोरों पर हो तो ये दुश्मन पर अंधाधुन तीर बरसाएं और उन्हें चलनी करके खूब नुकसान पहुंचाएं। उस वक्त दुश्मन चूंकि सामने की सीमत हमारे साथ जंग में बुरी तरह मसरूफ होगा, इसलिए इस नई आफत पर वो बदहवास होगा और तीर अंदाजों के हाथों नुकसान उठाएगा। बाकी 100 तीर अंदाज दुश्मन की पुश्त पर जाकर अपनी कमीन गाहों में बैठ जाएं और जब दाएं बाएं तरफ वाले तीर अंदाज अपना काम शुरू करें तो वो फिल फोर दुश्मन के पड़ाव के खेमों पर आतशी तीर बरसाएं। ऐसी सूरत में दुश्मन के पड़ाव में आग लग जाएगी और उसके लड़ने की सलाहियत बुरी तरह मुतासर होगी। लेकिन शर्त यह है कि ये सब तीर अंदाज आज रात के पिछले पहर अपनी अपनी मुनासिब जगह जाकर संभालें। हसन ने मुतासर होकर अहमद के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी दूसरी तजवीज भी काबिल कबूल और उम्दा है, अब तीसरी कहो। अहमद फिर कह रहा था, कम से कम 3000 सवार और अलैदा कर लें। रात के वक्त ही अपने लश्कर के बहुत पीछे बिठा दिए जाएं। जब जंग अपने अरूज पर हो तो ये सवार अपने घोड़ों को खूब सरपट दौड़ाते, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते और सहरा के अंदर धूल उड़ाती हुई एक नीम दायरे की सूरत में हमला आवर हों। इससे दुश्मन ये अंदाजा लगाएगा कि हमारी कुमक आ रही है और शायद उसके पीछे कोई और लश्कर भी हो, लिहाजा दुश्मन के सिपाही जंग से जीत चुराने लगेंगे। दुश्मन के दाएं बाएं और पुश्त पर गात में बैठे हुए तीर अंदाज भी अपना काम उस वक्त शुरू करें जब ये 3000 सवार हमला आवर हों। इसका एक और फायदा भी होगा, दुश्मन भी अगर हमारे खिलाफ ऐसा ही जाल फैलाने की कोशिश करे तो ये 3000 सवार उसे नाकाम बना देंगे। या अमीर, आप देख रहे हैं दुश्मन तादाद में हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन हमें हर हालत में इसे शिकस्त देना होगी। इसके दूरस नतायज निकलेंगे। रोमनों, फ्रांसीसियों और बर्बरों पर हमारा रोब खौफ तारी हो जाएगा और मगरब की तरफ मजीद पेशकदमी करते हुए हमें निस्पतन दुश्मन की कम मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा। हसन जवाब में कुछ कहना चाहता था लेकिन खामोश रहा, क्योंकि एक सिपाही उन दोनों का खाना ला रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहीं आके अलाव के पास बैठे खाना खा रहे थे। दूसरे रोज सूरज तुलू होते ही दुश्मन के लश्कर में जंग के तबल बजने लगे थे। जवानों का दिल बहलाने के लिए लश्कर में रोमन और हसीन फ्रांसीसी औरतें भी थी जो इश्किया गीत गाने के अलावा अपने सिपाहियों को अपनी मोहब्बत और कुर्बत का फरेब देकर जंग के लिए उबर रही थी। पड़ाव के खेमों के अंदर भी काफी औरतें थीं जो लश्कर के सिपाहियों को जंग के दौरान हथियार और पानी फराहम करने पर मामूर थीं। एक जुनून और तूफान था जो उस वक़्त करताजना के उस लश्कर में बरपा था जिसमें हसीन कुंवारी लड़कियाँ इधर उधर भागती फिर रही थीं।
इस्लामी लश्कर में कुछ जवान दफे बजा बजा कर रजमिया गीत गाने लगे थे। दोनों लश्करों में जंग के लिए सफ़ें दुरुस्त होने लगी थीं। हसन ने अपने लश्कर के मैमना और मैसरा को अपने दो उम्दा और कोहशिकन सालारों के हवाले किया था और अहमद को उसने अपने साथ क्लब में रखा था। अहमद का छोटा भाई खसीब भी क्लब में था। थोड़ी देर बाद मैदान में एक रोमन उतरा और वो एक उम्दा नस्ल के घोड़े पर सवार था। उसके जिस्म पर जीरा जोशन और लोहे के खोल चमक रहे थे और उसके सर पर पीतल का मजबूत कलईदार खूद था। उसके दाएं हाथ में सीधे पल की तलवार और बाएं हाथ में ढाल थी। एक फालतू ढाल उसने अपनी पुश्त पर लटका रखी थी। शायद ऐसा उसने अपनी पुश्त को महफूज करने के लिए किया था। अपने घोड़े को भगाता, उसे कलीले कराता और कोई कदीम उंदलसी गीत गाता हुआ वो मैदान में उतरा। मैदान के वस्त में आकर उसने अपने घोड़े को चंद सानियों तक एक गोल चक्कर की सूरत में सरपट भगाया, फिर उसने मुकाबले के लिए ललकारा। अहमद अपना घोड़ा हसन के करीब लाया और वैश्याना जोश में उसने कहा, या अमीर, मैदान में उतरने वाला ये रोमन ज्यादा देर तक मैदान में अपने घोड़े से कलीले न कराने पाए, मुझे मैदान में उतरने दीजिए कि मैं उनके अंदर ही पलकर जवान हुआ हूँ। मैं उनके लड़ने के हर फरेब और अपने मुकाबिल पर काबू पाने के हर फन से खूब वाकिफ हूँ। याद रखिए अमीर, ये इनफिरादी मुकाबला दोनों लश्करों पर असर अंदाज होगा। जो लश्करी भी इनफिरादी जंग हारेगा उसकी सिपाहियों के हौसलों पर एक जरब पड़ेगी, जबकि जीतने वाले और बेबाक और निडर होंगे। मुझे मैदान में उतरने की इजाज़त दीजिए। या अमीर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं मैदान में मुकाबले के लिए ललकारने वाले इस रोमन को किसी बुत की तरह तोड़कर लख्त लख्त कर दूंगा। मैं आपको मायूस न करूंगा,